हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। स्वागत है आप सभी का यूपीएससी अड्डा 247 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर, जिसमें हम बात कर रहे हैं ज्योग्राफी थ्रू मैप्स। आज जो हम बात करने वाले हैं, लास्ट विंटर जो वीडियो था उससे कंटिन्यू करेंगे। लास्ट में हमने नॉर्थ अमेरिका का इंटरव्यू कंटिन का एक तरीके से इंट्रोडक्टरी पार्ट किया था। आज करने वाले हैं नॉर्थ अमेरिका की महत्वपूर्ण जलसंधियां, जिसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं इंपॉर्टेंट स्ट्रेट। मैप पर इन्हें पॉइंट आउट करेंगे और जानेंगे। सबसे पहले स्ट्रेट के बारे में बता दें कि स्ट्रेट कहते किसको हैं, लेकिन काफी हद तक आपको इसमें डाउट रहता है कि स्ट्रेट होता क्या है। देखिए, आपको यहां पर बताएंगे, उससे पहले स्टार्ट करते। देखिए, स्ट्रेट क्या होता है, जब दो बड़ी वाटर बॉडीज को, फॉर एग्जाम्पल जैसे आप इसको देख रहे हैं, ये वाटर बॉडी हो गई एक, एक वाटर बॉडी ये हो गई, इसको कोई छोटी सी वाटर बॉडी जोड़ती है पतली सी, तो उसको कहते हैं हम लोग स्ट्रेट। उसी को कहते हैं जलसंधि, या कहीं कहीं चैनल बोलते हैं उसको। ठीक, ऐसे बोलते हैं। ये कैनाल्स भी हो जाती हैं, आर्टिफिशियल कैनाल्स भी हो सकती हैं, या आपका चैनल ही हो सकता है। ये होती हैं आपके, आप बड़ी वाटर बॉडीज को छोटी वाटर बॉडी जब जोड़ती है उसे कहते हैं स्ट्रेट। अब यहां पे एक चीज और देखिएगा, ये है आपका लैंड फॉर्म, ये लैंड फॉर्म, कॉन्टिनेंट है दोनों ऐसे। अब ये जो वाटर बॉडी, जो चैनल, जो स्ट्रेट होगा, ये वाटर बॉडी को तो जोड़ेंगे लेकिन लैंड फॉर्म को सेपरेट करेंगे। तो जब भी हम कभी चैनल या स्ट्रेट पढ़ते हैं तो उसमें हम ये देखते हैं किस वाटर बॉडी को कौन सी वाटर बॉडी से कनेक्ट करती है कोई स्ट्रेट। फिर दूसरा ये भी उसका देखना होता है कि कौन से लैंड फॉर्म को कौन से लैंड फॉर्म से अलग करेगी, मतलब वाटर बॉडी को कनेक्ट करेगी, लैंड फॉर्म को क्या करेगी, सेपरेट करेगी। तो लैंड फॉर्म जिसको सेपरेट करेगी उसे कहेंगे हम लोग क्या कहेंगे, उसको कहेंगे हम लोग स्ट्रेट ही कहते हैं। दो चीजें ध्यान में रखनी होती है, वाटर बॉडी को कनेक्ट करेगी और लैंड फॉर्म को सेपरेट करेगी। तो लैंड फॉर्म भी देखना है कौन सा लैंड फॉर्म अलग कर रही है, कौन सा वाटर बॉडी जोड़ रही है, क्योंकि दोनों तरह से क्वेश्चन हो सकते हैं, आपको दोनों तरह के लिए तैयार होना होगा। तो हम यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट स्टेट के बारे में आपसे बात करने वाले हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला यहाँ पर स्टेट के बारे में आपको बता दें, पहली है नरेस स्टेट। कहते हैं नरेस स्टेट जो आपकी यहाँ पर देखने को मिलेगी, आप देखेंगे नरेस स्टेट तो कहाँ पे है ये नरेस स्टेट जो देखेंगे, यहाँ पे एक आइलैंड है जिसका नाम है एल्समेयर। ये जो आपका आइलैंड जिसे देखते हैं एल्समेयर आइलैंड है, ये देखिए यहां पर होगा एल्समेयर, इस जगह पे ये एल्समेयर आइलैंड है, इसका नाम लिखे दे रहा हूं मैं, एल्समेयर आइलैंड है ये, मैप पे आप देखेंगे दिखेगा। और ये ग्रीनलैंड, और इसके बीच में जो ये गुजर रही है, ये यहां से ये नेरेस स्टेट होगी। कौन सी स्टेट होगी, नेरेस स्टेट होगी, ऐसे लिखेंगे आप इसको, जरा ध्यान से देखें, इस तरह लिखते हैं हम लोग। नेरेस जलसंधि क्या कहेंगे, नेरेस ये होगी। अब इसमें पूछा था किसको अलग कर रही, किसको जोड़ रही, तो आप देख सकते हैं लैंड फॉर्म में अगर बात किया जाए एल्समेयर आइलैंड और ग्रीनलैंड को अलग करेगी, जोड़ेगी किसको, वाटर बॉडी में जोड़ती किसको है, तो कहते हैं आर्कटिक सी है ये। कौन सा सी है, आर्कटिक सी और बेफिन बे, ये बेफिन बे हो गई यहां पर और ये आर्कटिक सी हो गया, तो आर्कटिक सी और बैफिन बे को जोड़ेगी। तो किसको जोड़ेगी, कनेक्ट किसको करेगी, तो देखेंगे यहां से कनेक्ट किसको करेगी, तो कनेक्ट करेगी आर्कटिक सी को टू बैफिन बे तक, और सेपरेट किसको करेगी, तो सेपरेट की बात करें तो एल्समेयर आइलैंड एंड किसको, ग्रीनलैंड को, ग्रीनलैंड को सेपरेट करेगी। तो ये आप ग्रीनलैंड आइलैंड है, ये भी आइलैंड है, तो दोनों को अलग करेगी। तो ये हो गया पहला, ये हो गया नेरेस स्ट्रेट। अगली स्टेट के बारे में देखेंगे कौन सी है, अगली स्टेट है आपकी डेविस स्टेट। डेविस स्टेट देखेंगे किसको, डेविस स्टेट, डेविस जलसंधि, डेविस जलसंधि के बारे में बात करते हैं, डेविस स्ट्रेट। अब डेविस स्ट्रेट क्या होता है, ये कहां किसको अलग करेगी, तो देखो किसको अलग करती, सेपरेट। तो डेविस स्ट्रेट अगर आप देखेंगे यहां पर तो सिंपली बहुत सामने दिख रही ये वाली, ये जो स्ट्रेट है ये जो बीच में पानी है ना, ये छोटा बीच का हिस्सा, ये वाला, ये डेविस स्ट्रेट है।
डेविस स्ट्रेट, ये किसको अलग करेगी देखेंगे यहां पर, सेपरेट किसको करती, कहते ग्रीनलैंड बैफिन बे को, किसको सेपरेट करेगी, ग्रीनलैंड आइलैंड टू बैफिन बे को सेपरेट करेगी, और किसको कनेक्ट करेगी, ये सेपरेट करने के बाद अलग किसको कर रही थी, ये अलग करने वाली बात हो गई, ये सेपरेट लैंड आपका जो होता है यहां पर, ये लैंड फॉर्म को अलग करती है ना, तो लैंड फॉर्म अलग हो गया, तो आपका बैफिन बे जो देखेंगे आप, बैफिन आइलैंड जो है आपका यहां पे देखेंगे, बैफिन आइलैंड है, बैफिन आइलैंड कौन सा है, तो ये वाला बैफिन आइलैंड है, ये देख रहे हैं ना, ये बैफिन आइलैंड है, ये बैफिन आइलैंड है, तो बैफिन आइलैंड को करेगी किससे, ग्रीनलैंड से अलग करेगी, बैफिन आइलैंड को ग्रीनलैंड से अलग करेगी, जोड़ेगी किसको, बैफिन बे को लेब्राडोर से, तो किससे जोड़ेगी, कनेक्ट किसको करेगी, बैफिन बे को लेब्राडोर से, ये कनेक्ट करने की बात हो गई, क्लियर है, तो ये ऐसे दो चीज आ गई आपको। तीसरा देखते हैं कौन सा पूछा गया है, तीसरी जल संधि, तो दो हो गए ना, डेविस स्ट्रेट हो गई और आपकी कौन सी हो गई, नेरेस हो गई, अब बात करते हैं हडसन स्ट्रेट की, हडसन स्ट्रेट, अब हडसन स्ट्रेट कहां पे है, कहते हैं ये आपको किसको अलग करेगी, किसको जोड़ेगी, तो हडसन की खाड़ी और लैब्राडोर सुर को जोड़ेगी, इसको हडसन स्ट्रेट जो होगी, ये देखिए यहां से, ये हडसन स्ट्रेट है, क्या है ये हडसन स्ट्रेट है, हडसन स्ट्रेट हो गई, ठीक, तो किसको जोड़ेगी ये हडसन स्ट्रेट, तो हडसन स्ट्रेट जोड़ेगी हडसन बे को और लेब्राडोर सी को, कनेक्ट हो गया, किसको कनेक्ट करेगी, कनेक्ट करेगी हडसन बे को एंड लेब्राडोर सी को, ये कनेक्ट करेगी इसको, किसको सेपरेट करेगी, सेपरेट किसको करेगी, अलग किसको करेगी, अलग करेगी बैफिन बे को और उनागावा प्रायद्वीप को, उनागावा पेनिनसुला होगा उसको क्या करेगी, उसको आपस में सेपरेट करेगी, बैफिन को और उनागावा जो आपका पेनिनसुला होता है उसको क्या करेगी, उसको आपस में अलग करेगी, तो उनागावा पूछते पेनिनसुला उसके बारे में पूछते, उनागावा और बैफिन आइलैंड को क्या करेगी, अलग करेगी, तो इसे क्यूबक बोलते हैं, क्यूबक ये जो है ना आपका यू वाला हिस्सा, क्यूबेक, क्यूबेक या उनागावा बोलते हैं इसको, ठीक है, और ये क्या होगा, बैफिन आइलैंड होगा, ये बैफिन आइलैंड और क्यूबेक, इसको क्या करेगी, इसको सेपरेट करेगी, तो देखें बैफिन आइलैंड इसको अलग करेगी, ठीक है, इन दो लैंडफॉर्म को अलग करेगी, अब बात करते हैं आगे नेक्स्ट पर, अगली कौन सी है, बेली आइलैंड, बेली आइलैंड जो आपकी जलसंधि है उसके बारे में जानेंगे, बेली आइलैंड जलसंधि, तो बेली आइलैंड जलसंधि कहाँ है, यहां देखेंगे जल्दी से, बेली आइलैंड जलसंधि देखें जरा सा, बेली आइलैंड जलसंधि, तो ये आप देखेंगे इस जगह पर, ये यहां पर, तो बेली आइलैंड जलसंधि है ये आपका, बेली कैसे लिखेंगे, बेली आइलैंड स्ट्रेट है ये, तो किसको कनेक्ट करेगी, ये जोड़ेगी किसको, तो देख सकते हैं किसको, लैब्राडोर सी को और किसको जोड़ेगी यहां पर, लैब्राडोर सी को और किसको, सेंट लॉरेंस, या कह सकते हैं सेंट लॉरेंस की खाड़ी और अटलांटिक महासागर, सेंट लॉरेंस की खाड़ी है ये कौन सी खाड़ी है, सेंट लॉरेंस, गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस, सेंट लॉरेंस गल्फ को और लेब्राडोर सी को, तो कनेक्ट किसको करेगी, सेंट लॉरेंस,
अटलांटिक ओशन, इनको आपस में क्या करेगी, इसको कनेक्ट करेगी, सेपरेट किसको करेगी, अलग किसको करेगी, तो अलग किसको करेगी, देख रहे न्यू फाउंड आइलैंड और किसको, न्यू फाउंड आइलैंड और लेब्राडोर, क्या करेगी, न्यू फाउंड आउटलैंड और लेब्राडोर को अलग करेगी। तो लेब्राडोर ये आप देख रहे हैं यहाँ पर लेब्राडोर है और न्यू फाउंड आइलैंड है ये, तो लेब्राडोर और न्यू फाउंड आइलैंड को अलग करेगी। चलिए आगे देखते हैं, बैली आइलैंड स्टेट के बाद अगला देखेंगे यहां पर फ्लोरिडा, फ्लोरिडा स्टेट, फ्लोरिडा स्टेट के बारे में अगर देखेंगे तो फ्लोरिडा स्टेट कहां पर है, तो फ्लोरिडा स्टेट आपका फ्लोरिडा और क्यूबा के पास है। कहां पे होगा, फ्लोरिडा और क्यूबा, ये यहां देख सकते हैं ना इस जगह पर, ये यहां पर ये है फ्लोरिडा स्टेट। तो किसको अलग कर रही है ये फ्लोरिडा और क्यूबा को, ये जो आपका हिस्सा है, ये जो निकला हुआ नोज के टाइप का, ये फ्लोरिडा है, ये क्या है, ये फ्लोरिडा है, और क्यूबा को अलग करेगी, किसको कनेक्ट करेगी, गल्फ ऑफ मैक्सिको को और अटलांटिक ओशन को, गल्फ ऑफ मैक्सिको और अटलांटिक ओशन को कनेक्ट किसको करेगी, सेपरेट किसको करेगी, फ्लोरिडा को क्यूबा से, फ्लोरिडा को क्यूबा से सेपरेट करेगी। ठीक है, आगे देखते हैं अगला कौन सा है, अगला है यूकाटन स्टेट, अगला है यूकाटन स्टेट, यूकाटन स्टेट कहां पर है आप देखेंगे, यूकाटन स्टेट, यूकाटन ऐसे लिखेंगे आप लोग, यूकाटन जलसंधि यहां पे दिखाई देगा ये जगह पर, यूकाटन स्टेट, ठीक है, यूकाटन जलसंधि है ये किसको अलग कर रहा है, तो ये किसको अलग करेगा, ये अलग करेगा क्यूबा को यूकाटन पेनिनसुला से, यूकाटन पेनिनसुला से अलग करेगा क्यूबा को, क्या करेगा, सेपरेट करेगा, ये लैंड फॉर्म इसलिए सेपरेट करेगा, और कनेक्ट किसको करेगा, कनेक्ट किसको कर रहा है ये याद रखिएगा, कनेक्ट किसको करेगा, ये कनेक्ट करेगा ये मैक्सिको की खाड़ी और कैरेबियन सी को, गल्फ ऑफ मैक्सिको और कैरेबियन सी को, कनेक्ट और कैरेबियन सी को क्या करेगा, कनेक्ट करेगा। ठीक है, तो ये यूकाटन स्टेट हो गया। अब चलते हैं आखिरी में, नेक्स्ट पे, अगले में क्या होगा, अगला हमारा होगा बेरिंग स्टेट, अगला क्या होगा, एक मिनट देखें, बेरिंग स्टेट यहां पर देखेंगे किसको, बेरिंग स्टेट को। ठीक है, तो देखें जरा बेरिंग स्टेट को, बेरिंग स्टेट कहां पर है, बेरिंग स्टेट, बेरिंग स्टेट किसको किसको अलग करती हो, कहां पर है, तो बेरिंग स्टेट जब आप देखेंगे तो बहुत ऊपर ही जाके देखना पड़ेगा, यहां पर जो आपका यहां पर है इस जगह पर, यहां पर ये बेरिंग स्टेट है, ये किसको अलग कर रहा है, ये चुकची आपका जो प्रायद्वीप है रसिया का और अलास्का, ये अलास्का है और ये चुकची पेनिनसुला है, ये रूस का है, मतलब एशिया कह सकते हैं इसको, ये रसिया में आता है और अलास्का को अलग करता है, जोड़ता किसको है, ये बेरिंग सी और कौन सा, आर्कटिक ओशन, आर्कटिक ओशन, ये बेरिंग सी और आर्कटिक ओशन को क्या करेगा, कनेक्ट करेगा, बेरिंग सी और आर्कटिक ओशन को क्या करेगा, को जोड़ेगा, कनेक्ट करेगा। ठीक है, सेपरेट किसको करेगा, सेपरेट करेगा किसको, चुकची पेनिनसुला और अलास्का को, टू अलास्का को। तो ये आपका यहां पर पूरे के पूरे स्टेट हमने लगभग इंपॉर्टेंट करवा दिए, जो आपके इंपॉर्टेंट थे कहां पे, नॉर्थ अमेरिका में। आई होप आपको ये सेशन काफी इंपॉर्टेंट लगा होगा, काफी समझ में भी आया होगा चीजें, और आपको ये काफी सारी स्टेट एक साथ में कवर हो गई होंगी। तो
सेशन को यूपीएससी अड्डा को लाइक से सब्सक्राइब करें और अपनी 2021 की तैयारी को काफी इंपॉर्टेंट तरीके से आगे बढ़ाएं। थैंक यू सो मच।